ठंडा दूध पीने से ही आपको गैस, कॉन्स्टिपेशन या इनडाइजेशन का प्रॉब्लम होता है, इसलिए दूध हमेशा गर्म करके पीना जरूरी है। वेलकम बैक टू चैनल एवरीवन, होप यू गाइस आर डूइंग फाइन। सो आज हम लोग बात करेंगे दूध के ऊपर, मिल्क। दिस इज अ स्मॉल टॉपिक। सो मिल्क का बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। एक्चुअली हमारे बॉडी को चाहिए रोज 22 एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। उसमें से मिल्क हम लोग को प्रोवाइड करता है 18। तो मिल्क इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड मिल्क इज ए मील इन इटसेल्फ, इट्स ए कंप्लीट फूड, ऑलराइट। और लगभग मान लीजिए 250 ml मिल्क या एक कप मिल्क, 250 से 300 ml का मिल्क में आपको कैलोरीज मिल जाता है 150 के आसपास, 150 कैलोरीज। आपको फैट मिल जाएगा 8 से 9 ग्राम, प्रोटीन भी आपको लगभग 8 से 9 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा, कार्बोहाइड्रेट आपको 12-13 ग्राम के आसपास मिल जाएगा। और मिल्क इज रिच इन कैल्शियम, मिल्क इज रिच इन विटामिन B1, विटामिन B6, विटामिन B12, योर विटामिन डी, विटामिन ई। मिल्क इज रिच इन आयरन, इट इज रिच इन मैग्नीशियम एंड मिल्क हैज गुड क्वालिटी ऑफ प्रोटीन। जो एमिनो एसिड का प्रोफाइल है दैट इज वेरी गुड इन मिल्क। और मिल्क से ही आपका ये केजीन और वे प्रोटीन जो है वो मिल्क से ही बनता है, ठीक है। जो वे प्रोटीन विच इज कंसिडर्ड एज द सुपेरियर मोस्ट फॉर्म ऑफ प्रोटीन, इट इज एक्चुअली डिराइव फ्रॉम मिल्क। मिल्क और केजिन जो आपका स्लो डाइजेस्टिंग प्रोटीन है विच इज रिक्वायर्ड एट नाइट व्हेन वी स्लीप, जैसे कि पनीर से हम लोग को मिल सकता है, तो ये सब मिल्क से ही बनता है। तो मिल्क इज ए वेरी गुड सोर्स ऑफ ऑल दिस प्रोटीन। फिर आपका मिल्क इज गुड फॉर योर हार्ट, मिल्क इज गुड फॉर योर बोन्स एंड मिल्क इफ यू ऐसे मतलब अकॉर्डिंग टू स्टडीज मिल्क इफ यू कंज्यूम इट हॉट, अगर गर्म दूध आप पीते हो तो इट इज गुड फॉर योर स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी। पीपल हु हैव स्ट्रेस या आप लोग आपको मतलब थोड़ा बहुत एंग्जाइटी फील होता है कभी कभी, देर आर मेनी पेशेंट्स, तो डॉक्टर्स उन लोग को सजेस्ट करते हैं कि मतलब एक कप दूध रोज इवनिंग को लेने के लिए, तो इट इज वेरी गुड फॉर टैकलिंग योर स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी। फिर आपको दूध एनर्जी भी प्रोवाइड बहुत करता है। मान लीजिए आपने ब्रेकफास्ट लिया और आपका लंच करने में थोड़ा सा टाइम है, तो आप बीच में आप यू कैन हैव 1 ग्लास ऑफ मिल्क एंड इट विल प्रोवाइड यू एनर्जी फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ऑल्सो मिल्क इज गुड फॉर इम्यूनिटी, ठीक है। आपका टू बूस्ट अप इम्यूनिटी मिल्क इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट हैज ऑल दोज प्रॉपर्टीज टू टैकल दोज बैक्टीरियाज एंड द वायरसेस। तो मिल्क आपके डाइट में होना बहुत जरूरी है। फिर मिल्क इज रिच इन एंटी ऑक्सीडेंट्स, ऑलराइट, एंड ऑल्सो मिल्क इज कंसिडर्ड टू बी गुड फॉर योर स्किन इफ कंज्यूम्ड इन ए प्रॉपर फॉर्म एंड योर हेयर, ऑलराइट। फिर आपका आ गया साइड इफेक्ट्स। अब हर चीज का अच्छा साइड भी है और हर चीज का बुरा साइड भी है। तो साइड इफेक्ट्स में क्या है, अगर आप मतलब कोई भी चीज देखिए, आप कोई भी चीज अगर एक्सेस आप लोगे तो कुछ ना कुछ आपको बैकफायर जरूर करेगा। तो मिल्क के साथ क्या होता है, बहुत लोगों का एक्ने का प्रॉब्लम होता है। ये मेरे साथ भी पहले हुआ था, मतलब आई लव मिल्क मतलब पर्सनली एंड मैं बहुत ज्यादा ही लेता था, तो बिकॉज ऑफ दैट आई हैड स्टार्टेड हैविंग प्रॉब्लम्स ऑफ एक्ने एंड ऑल, बट अभी इट्स गन, आई डू नॉट हैव मच प्रॉब्लम। लेकिन साइड इफेक्ट्स में से ये एक प्राइम मतलब साइड इफेक्ट है योर एक्ने। एंड लगभग 70% ऑफ द पॉपुलेशन हैव प्रॉब्लम इन डाइजेस्टिंग योर मिल्क। बहुत लोग बोलते हैं ना कि मेरे से दूध पचता नहीं है, उल्टी फील आता है, या मेनी पीपल आर लैक्टोज इंटॉलरेंट। सो दैट दोज पीपल यू नीड टू स्टार्ट कंज्यूमिंग मिल्क स्टेप बाय स्टेप।
थोड़ा सा कम लेके फिर देन स्टार्ट इंक्रीजिंग इन इंक्रीमेंट्स, स्टार्ट हैविंग 60 ml, देन 80 ml, लाइक दिस यू कैन स्टार्ट. मतलब एक हैबिट होना जरूरी है, ऐसा नहीं है कि आपको उससे एलर्जी हो जाएगा, ऐसा नहीं है. यू कैन स्टार्ट इट, मतलब थोड़ा थोड़ा करके इंक्रीमेंट्स लेके यू डेफिनेटली गेट रिजल्ट. फिर प्रॉब्लम है कॉन्स्टिपेशन का, और आपका एसिडिटी का होता है, कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम होता है, आई विल कम टू दैट टॉपिक. फिर वही इनडाइजेशन का प्रॉब्लम भी होता है. ये मेनली होता है एक्चुअली अगर आप मिल्क को कोल्ड वे में लोगे, आई मीन चिल्ड वे. ठीक है, दूध हमेशा गर्म लेना चाहिए, गाखीर सदा गरम करिए खाब लगे, बिकॉज व्हेन वी हीट मिल्क तेतिया मिल्कर जुन्तु मलिकुलर स्ट्रक्चर है हेतु तेनेके चेंज है, माने आमार बडीटुए लई लब पारे, तेतिया आमार बडीटुए डाइजेस्ट करत हेल्प है जेतिया आमी हीटेड मिल्क कंज्यूम करू. बुझी पाले, व्हेन यू हीट इट तेतिया मलिकुलर स्ट्रक्चर तो एनेकुआ एनेके माने चेंज है दैट इट इज परफेक्ट फॉर इट गिव्स अस एन एनवायरमेंट आमार बडी टू डाइजेस्ट इट प्रॉपर्ली. কিন্তু মিল্ক শুড নট বি কনজিউম ইন চিল্ড ওয়ে. এটা আপনি দেখে ন ফ্রিজত রাখি দিয়ে বহুতে গাখির, ঠান্ডা গাখির খাব বা বহুত ফ্লেভার্ড মিল্ক ওলাই গেছে আজিকালি মার্কেটত, তো অল দিজ আর নট গুড ফর স্টমাক. এন্ড এট দ্যাট মোমেন্ট ইউ এনজয় দ্য ড্রিঙ্ক বিকজ তাত সুইটস মানে মিঠা দিয়া থাকে, তো আমি পুরা ঠান্ডা মিল্ক মানে পুরা চিল্ড খাই আমি ভাল পাওঁ. বাট লেটার অন সেইটোৱে আপোনাৰ বেকফায়াৰ কৰে ইন দ্য ফৰ্ম অফ কনষ্টিপেশ্যন বা এচিডিটি বা এনেকুৱা এচিড ৰিফ্লাক্স তেনেকুৱা প্ৰব্লেম আহি যায়. সো মিল্ক শুড বি কনজিউমড মানে ইন মানে হিটেড ৱে, মানে গৰম কৰি আমি মিল্ক খাব লাগে, অ'কে, নট চিল্ড. আৰু এটা হৈ গ'ল মানে ইট শুড নট বি কনজিউমড চিল্ড. ঠিক আছে, আৰু কেনেকৈ খাব নালাগে, মিল্ক শুড নট বি কনজিউমড এলং উইথ এ মিল. কোনো মিলৰ লগত আপুনি মানে খাব নালাগে, মানে মানি লওক ব্ৰেকফাষ্ট কৰি আছে, ঠিক আছে, বা বহুতে কি কৰে ব্ৰেকফাষ্টৰ ভিতৰতে মিল্কটো মানে মিল্কটো ইনক্লুড কৰি দিয়ে, মানে ইউ আৰ হেভিং চাপ'জেডলি ডোচা অৰ অমলেট অৰ চুইট পটেটোজ, চ' ডেট ইজ এ মিল. তাত মিল্কটো দিয়া কোনো দৰকাৰ নাই. ইউ হেভ ইয়ৰ মিল ওৱান অৰ টু আৱাৰ্চ আফটাৰ দ্য মিল, অ'কে. মানি লওক দেয়াৰ শ্বুড বি এ গেপ অফ টু আৱাৰ্চ, মিনিমাম ডেৰ ঘণ্টা গেপ এটা থাকিব লাগিব বিটুইন দ্য মিল এণ্ড দ্য মিল্ক. ঠিক আছে, ইউ শুড নেভাৰ হেভ মিল্ক উইথ ইয়ৰ মিল্ক উইথ ইয়ৰ মিল. ঠিক আছে, মিল্ক নট উইথ ব্ৰেকফাষ্ট, মিল্ক নট উইথ লাঞ্চ, মিল্ক নট উইথ ডিনাৰ. মিল্ক ইজ এ কমপ্লিট ফুড, সেইটো আপুনি চেপাৰেটলি এজ এ মিল ল'ব লাগিব ইন বিটুইন. ঠিক আছে, ছেকেণ্ড হৈ গ'ল. থাৰ্ড, মিল্ক শুড নট বি কনজিউমড এলং উইথ salty foods. Milk is not meant to digest in our body along with salty foods. Bohute ki kore cookies or logot milk khay ba bhujia namkin amar market o je available thake mane nimokhia jibur bhaja ba ebilak thake na, so packet foods you should never consume milk along with salted foods. Thik ase, because it won't digest properly. Aru মানে সল্ট আৰু মিল্কৰ কোনো মিক্সেবিলিটিয়ে নহয় আমাৰ মানে বডিৰ ভিতৰত. ঠিক আছে, তো থাৰ্ড পইণ্ট হৈ গ'ল. এণ্ড দেন আৰু আছে আপোনাৰ চুগাৰ, দ্য ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট থিং চুগাৰ. বহুতে গাখীৰত কি কৰে আপোনাৰ চেনি দি দিয়ে, তাৰপিছত আপোনাৰ ফ্ৰুটছ দি দিয়ে বহুতে. ফ্ৰুটছৰ লগত চুগাৰৰ লগত মিল্ক তেনেকৈ খোৱা একচুৱেলি it is not suggested. Milk have it raw, unsweetened, unsalted. ঠিক আছে, not with salty foods, not with sugar, আপোনাৰ not with fruits, fruit salad এইবিলাক যে মাৰ্কেটত পায় these are not at all good. ঠিক আছে, আৰু আপোনাৰ not with sweets, not with sugar, not with salt, আপোনাৰ আৰু it should not be consumed chilled. আৰু আপোনাৰ ইট শ্বুড নট বি কনজিউমড এলং উইথ মিলচ, এইকেইটা পইণ্ট. আৰু দিজ আৰ দ্য থিংছ যোনটো আমাৰ হাতত আছে, উই কেন প্ৰিভেণ্ট. ঠিক আছে, কিছুমান বস্তু আছে যোনটো আমাৰ হাতত নাই,
like milk or quality to depend kore etia I'm talking about cow's milk thik ase goru to mane kenekoa environment ot ase hetu bahut matter kore kenekoa quality of the milk mane it will supply thik ase mane the environment of the cow aru health of the cow is very important aru etu bahut important je bahut mane artificial আজিকালি বহুত ষ্টেৰইড বা হৰমনছ ইনজেক্ট কৰা হয় মানে এনিমেলছৰ ওপৰত সো মানে অন দা কাউ বেসিকলি টু ইনক্রিজ দা প্ৰডাক্টিভিটি অফ মিল্ক সো তেনেকে হৰমন ইনজেক্ট কৰা কাউৰ মিল্ক যোনটো আছে ইট উইল নট বি অফ এ গুড কোৱালিটি আৰু আপোনাৰ কাউ গৰুটোৰ এজ কিমান বা গৰুটোৰ ডায়েট কেনেকুৱা এইবোৰো বহুত মেটাৰ কৰে ফৰ মানে মিল্কৰ যোনটো কোৱালিটি সেইটো মানে আপোনাৰ গৰুটোৰ এজ ডায়েট সেইটোৱে সো মেটাৰ কৰে আজিকালি আপোনাৰ জি এম অ' আৰু এইবিলাক বহুত ধৰণৰ ডায়েটত দিয়া হয় ঠিক আছে চ' অল দিজ আৰ নট গুড ফৰ দ্য হেল্থ অফ দ্য কাউ এজ ৱেল এজ দ্য কোৱালিটি অফ দ্য মিল্ক ঠিক আছে আৰু চাম আজিকালি বহুত মিলাৱট হয় মিল্কত মিল্কৰ লগত ষ্টাৰ্চ দিয়ে আপোনাৰ ইউৰিয়া ডিটাৰজেণ্ট তাৰপিছত আপোনাৰ ডালডা আৰু বৰিক এচিড এইবিলাক বহুত মিক্স কৰা হয় মানে আৰ্টিফিচিয়েল এইবিলাক মিল্ক মানে যোনটো প্ৰডাকশ্যন হৈ আছে আজিকালি চ' যিমান আপোনাৰ এক্সেছ আছে ফৰ চাম গুড কোৱালিটি অফ মিল্ক যদি ডিৰেক্টলি ফ্ৰম দ্য কাউ ইউ কেন গেট ইট দেট ইজ দ্য বেষ্ট চ'ৰ্চ এণ্ড এইটোৱে আৰু যিখিনি আমাৰ হাতত আছে এটলিষ্ট সেইখিনি আমি মানে মেইনটেইন কৰি যদি চলিব পাৰোঁ দেট ইজ গুড ফৰ আৰ হেল্থ এণ্ড এইটোৱে আছিল আজিৰ টপিক এবাউট মিল্ক আৰু এনেকৈ নেক্সট ভিডিঅ' এটা বনাম আই গেছ ৱৰ্কআউটৰ ওপৰত এটা বনাম ভাবিছোঁ দেখা যাওক চ' চি ইউ অল ইন চাম আদাৰ ভিডিঅ' মুভিং ফৰৱাৰ্ড অলৱেজ আপৱাৰ্ডছ এণ্ড অনৱাৰ্ডছ আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে যদি ভাল লাগিছে শ্বেয়াৰ উইথ ইউৰ ফ্ৰেণ্ডছ এণ্ড ফেমিলি টিল দেন টেক কেয়াৰ বাই বাই